शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने को लेकर मनपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च क्षेत्र के पवई, संग्रामपुर, गरीबपुर, डुमरिया, चिरैया, जानकीपुर, बलुआ, सतघरा, सुल्तानपुर, कुल्हड़िया, डुमरामा होते हुए मनपुर पहुंची, जहां पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए थाना परिसर पहुंची। इस दौरान थानाध्यक्ष ने आम लोगों को भयमुक्त माहौल में मतदान करने की अपील की। फ्लैग मार्च में थानाध्यक्ष समेत सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव यादव, बीएसएफ के अधिकारीगण, बीएसएफ जवान व काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक शक्ति में तेजी लाई गई है और थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजवारा संकट मोचन चौक के पास पंजवारा भेरा मोड़ मुख्य मार्ग में बनाए गए अस्थायी चेक पोस्ट से गुजरने वाली दोपहिया और चार पहिया वाहन की जाँच शुरू कर दी गयी। इस क्रम में दोपहिया वाहनों की डिक्की की जाँच तथा चार पहिया वाहनों में रखे सामानों की भी सघन जाँच की गयी और इस दौरान वाहनों का नंबर भी पंजी में दर्ज किया गया। मौके पर पंजवारा थानों के SI अरुण कुमार सिंह, स्टेट विनोद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मद निषेध पटना की टीम द्वारा बौसी पुलिस के सहयोग से बौसी बाजार स्थित मुख्य चौक पर एक ट्रक विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मद निषेध की टीम पिछले कई दिनों से अवैध शराब लेकर जा रहे तस्करों पर नजर जमाए हुई थी। सूत्रों की माने तो यह शराब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिए परोसा जाना था। रविवार की रात्रि करीब 9 बजे आसपास टीम द्वारा बौसी पुलिस से सहयोग मांगा गया, जिसके बाद बौसी पुलिस की टीम थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना मोड़ स्थित राजवीर होटल के पास झारखंड की ओर से आ रहे ट्रकों को रोक दिया गया। तब तक ट्रक के पीछे मद निषेध की टीम और बौसी पुलिस गश्ती दल भी आ रहा था। हालांकि बजरंगबली चौक पर पहुंचने के बाद टीम को देखकर चालक द्वारा भागने का प्रयास किया गया, लेकिन मद निषेध की टीम और बौसी पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना परिसर में पकड़े गए ट्रक की संख्या WB41E17-6 की तिरपाल को खोलकर शराब की पेटियां उतारने का काम थाना के चौकीदारों और मजदूरों से किया जाने लगा। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सारे विदेशी शराब को उतारा गया। गया कि विभिन्न ब्रांडों की 400 पेटी शराब बरामद की गई है। टीम में मद निषेध विभाग पटना के SI, ASI समेत आधे दर्जन पुलिसकर्मी मौजूद थे, जबकि बौसी थाना में इंस्पेक्टर गोपाल नारायण सिंह, थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, SI सुधीर सिंह, केदार पासवान सहित अन्य की मौजूदगी में सभी शराब को उतरवा कर उसकी गिनती की गई। सूत्रों के माने तो गिरफ्तार ट्रक चालक UP के हाथरस का रहने वाला है, जिसका नाम सूरजपाल है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक ट्रकों से शराब की पेटियां उतारी जा रही थी। थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जानकारी ली जा रही है। नवादा बाजार सहायक थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में सुनैना देवी नामक एक विधवा की हुई हत्या के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने सोमवार को नवादा बाजार थानों का घेराव करते हुए पुलिस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। कहा जा रहा है कि आक्रोशित ग्रामीणों ने जवाब में पुलिस ने भी आलोदनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए रजौन थाना, धनकुंड थाना सहित अन्य कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई और आंदोलन कर रहे आक्रोशित लोगों को पहले समझाया, फिर बाद में मजबूरन पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। इसके बाद आंदोलनकारियों की भीड़ हटी। बताया जा रहा है कि इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जबकि कई ग्रामीणों को भी चोट आई है। ग्रामीणों का कहना था कि थानाध्यक्ष नसीम खान ब्रजेश कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे छोड़ दिया और गोपालपुर गांव के ही सिकंदर मंडल नामक एक निर्दोष लड़के को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। ग्रामीणों का कहना है कि वह लड़का बिल्कुल निर्दोष है, इस घटना में जो दोषी है उसे पुलिस गिरफ्तार कर छोड़ रही है। बता दें कि 3 दिन पूर्व विधवा हत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के मायके गोराडी थाना क्षेत्र के हरिपुर ग्राम निवासी ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार किया था, इधर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस इस घटना में मनमर्जी कर रही है। दरअसल 2 अक्टूबर को नवादा बाजार सहायक थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्टेट 20 बीघा बहियार से सुनैना देवी नामक एक विधवा महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था। उसी वक्त कयास लगाया जा रहा था कि अपराधियों ने उसके साथ दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देकर बड़ी बेरहमी से शरीर के कई हिस्से को तेजाब डालकर जला दिया था। महिला के शरीर के कई हिस्से में गहरे जख्म के निशान भी पाए गए थे। मृतका गोपालपुर गांव निवासी नासिक मंडल की पुत्रवधू थी। मृतका के पति स्वर्गीय वासुदेव मंडल की मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इधर घटना के बाद पुलिस ने गोराडी थाना क्षेत्र के हरुपुर ग्राम निवासी ब्रजेश कुमार नामक एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया था। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। ब्रजेश नामक व्यक्ति मृतका के मायके का बताया जा रहा है। इधर पुलिस इस हत्याकांड में मृतका के ससुराल गोपालपुर गाँव के ही सिकंदर मंडल नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले आई। इसके विरोध में गोपालपुर गाँव के ग्रामीणों का आक्रोश नवादा बाजार सहायक थाना पुलिस को झेलना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस निर्दोष को बेवजह परेशान कर रही है।